हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं इस मंथ सितंबर मंथ का लास्ट पार्ट लेके आया हूँ करंट अफेयर का, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि कुछ समय पहले शुरू की गई ग्रीन फिन सब पहल का उद्देश्य क्या है, इसमें मैंने चार ऑप्शन लिए हैं। दोस्तों अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में करके मेरे को बता दें, और इसमें टाइम जो लें वो 10 सेकंड का लें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम जब आप देते हो तो उस समय इतना ही टाइम मिलता है, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिया है समुद्री खाद्य उत्पादों के सतत उपयोगों को बढ़ावा देना, सेकेंड ऑप्शन है सतत समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना, शाकाहारी खाद्य पदार्थों की खपत को बढ़ावा देना, शहरी वानिकी को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है बी, सतत समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है वो है कि भारत के किस राज्य को पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश या गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इस राज्य को मतलब स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अक्टूबर को कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी, चार ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, असम या उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ये मातृभूमि योजना पोर्टल है उसको लॉन्च करेगी, महात्मा गांधी की जयंती है उस दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत ने सितंबर 2022 में खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के किस सत्र की मेजबानी की है। ठीक है, आपको इसमें सत्र बताना है कि कौन सा सत्र, नंबर कौन सा है उसका सत्र का। ठीक है ना, तो 6 नंबर है, 9, 5 या 8। इसका जो राइट आंसर है 9, यानी 9वें सत्र की अभी ये मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत की कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी, SWNS। ठीक है, असम, नागालैंड, हरियाणा या केरल। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है असम, असम सरकार इसको लॉन्च कर रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवलियर डे ला लीजियन डी होनूर से किसको सम्मानित किया गया है, चार ऑप्शन मैंने लिए हुए हैं दोस्तों, मुकेश अम्बानी, डॉक्टर स्वाति पीरामल, डॉक्टर मूलचंद या आधार पूनावाला। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर स्वाति पीरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कातार ब्रांड जेट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड वर्ष 2022 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, ICIC, HDFC, TCL या TCS। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो TCS। TCS ये सबसे महंगा मूल्यवान ब्रांड बन गया है इंडिया का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए कौन से संगठन ने विस्तृत फ्रेमवर्क जारी की है, चार ऑप्शन लिए हुए दोस्तों मैंने। पहला ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग, राष्ट्रीय ट्रस्ट या भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि मूनलाइट किस क्षेत्र से संबंधित है, अभी बीच में हाईलाइट हुआ था काफी, रोजगार, क्राइम, स्पाई एंड जासूसी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शब्द है वो रोजगार से संबंधित है। अभी अडानी और अंबानी ग्रुप ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो एक दूसरे के जो एम्प्लॉय हैं उनको अपने यहाँ जॉब नहीं देंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि SC ने IOA के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस रमना, जस्टिस दीपक कुमार या मोहन चना स्वामी, चार ऑप्शन लिए हुए हैं।
इसमें जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जस्टिन एल नागेश्वर राव, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे, टाइगर्स डे, वर्ड्स डे या ब्लू वर्ड ऑफ हैप्पीनेस डे। तो इसका जो राइट आंसर है ब्लू वर्ड ऑफ हैप्पीनेस डे, एक ये नीली चिड़िया है ठीक है, उसके लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें लिया हुआ है कि भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS का प्रेसिडेंट किसको निर्वाचित किया गया है, मोहन स्वामी, अमित प्रसाद, के अशोक सारस्वत या के राजा प्रसाद रेड्डी। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है, के राजा प्रसाद रेड्डी, इनको इसका निर्वाचित किया गया है, प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये ड्रोन सिस्टम के रिगार्डिंग है कि मेक इन इंडिया के तहत टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित कौन से सिस्टम का परीक्षण पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है, ALS-50 ड्रोन सिस्टम, ALS-90 ड्रोन सिस्टम, ALS-60 ड्रोन सिस्टम या ALS-80 ड्रोन सिस्टम। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ALS-50 ड्रोन सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया हुआ है कि ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसको किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर राजीव बहल, सोनू चंद, महेश पूनावाला या जोरंडी मुसक्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजीव बहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन से देश में हाल ही में गेहूं, राई, जौ, मक्का, बाजरा, जई समेत अन्य 19 अन्य निर्यात पर प्रतिबंध लगा है, जो अनाज है इन पर प्रतिबंध लगा दिया, सिंगापुर, यूक्रेन, रूस या बेलारूस। ये रूस अभी ये यूक्रेन और ये नाटो आपका संगठन है और इधर ये रसिया बेलारूस अदर कंट्री का है, ठीक है ना। तो ये रूस जो बेलारूस है वो रूस के पास में ही, तो ये बेलारूस में ही आपका प्रतिबंध लगा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है, दिलीप तिर्की, रमनदीप सिंह, MM सौम्या या अजीत पाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिलीप तिर्की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है कि कौन से क्रिकेट बल्लेबाज ने हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बनने की उपलब्धि हासिल की है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, या दिनेश कार्तिक या युवराज सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा को अभी अभी आपका सिक्स लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इनको किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कौन करेंगे, अमित शाह या रामनाथ कोविंद या राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस देश की लैब ने हाल ही में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया गया है, नंबर वन है इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चाइना, ठीक है, चीन ने अभी स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि किस देश के कौन से सिटी में दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में या फिर न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में या भारत के अहमदाबाद में या रसिया के मास्को में। तो इसका राइट आंसर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस जो ट्रामाडोल है ये एक नशीली दवा है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, लोग इसको नशे के रूप में यूज करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंछी दिवस,
अंत्योदय दिवस, हिंदी दिवस या मजदूर दिवस? तो इसका जो राइट आंसर है वो अंतो दिवस है। ठीक है, ये कहने की जो जो समाज के मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, और इसको 25 सितंबर 2014 में फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने दीनदयाल उपाध्याय जी थे उनकी जयंती थी उस पर इसको लॉन्च किया था, तब से ये स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाता है तो 25 सितंबर 2014 रहेगा आंसर इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है आपके लिए कि 26 सितंबर को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शन लिए मैंने, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल वर्कर डे, यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेज या योगा डे। इसका जो राइट आंसर है वो यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है? चंडीगढ़ हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, गोवा या लखनऊ, इनमें से किसका नाम चेंज करने के लिए बोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है ना, कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, तानिया भाटिया या रेणुका सिंह। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है झूलन गोस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है आपके लिए कौन से धावक ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्लिन मैराथन के चैंपियन बने? उसेन बोल्ट, एलियुड किपचोगे, एडविन सोई या टिकिस्ट असेपा। इसका जो राइट आंसर है वो एलियुड किपचोगे है। ठीक है, ये केन्या के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और मैंने कहा ना कि जिस क्वेश्चन के लिए रिगार्डिंग अगर थोड़ा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है तो वो मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ना चाहें तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन से बैंक के CEO ने हैदराबाद में हाल ही में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, SBI या पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने अभी हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है अपना, ये हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के किस राज्य में बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया? तेलंगाना, तमिलनाडु, नागालैंड या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में अभी ये उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ऐलान कर दिया है? नवजोत सिंह सिद्धू, गुलाम नबी आजाद, कमलनाथ या सचिन पायलट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, गुलाम नबी आजाद। ये पहले कांग्रेस में थे, अब इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि BPCL ने किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है? ये जो पेट्रोब्रास है वो किस देश की कंपनी है? ब्राज़ील, रसिया, कतर या ईरान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्राज़ील है। ठीक है, जो क्रूड ऑयल होता है उसके रिसाइकलिंग के लिए इन्होंने इसके साथ समझौता किया है, इस कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि किस महान भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन लिया है, अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो एक्टर्स के नाम वगैरह याद होंगे आपको, माधुरी दीक्षित, रेखा, सुष्मिता सेन या आशा पारेख। तो इसका जो राइट आंसर है वो आशा पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं तो उन्होंने इनको अभी ये सम्मान दिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भारत के कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? उड़ीसा, केरला, आसाम या नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने अपने जनजातियों के लिए एक अलग विश्वकोश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सी वेबसाइट पर भारत का सुप्रीम कोर्ट
अपनी संविधान पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू करेगा या शुरू कर दिया है उसने। gov.in/scindia, gov.in/scbharat या gov.in/sclife। तो इसका जो राइट आंसर है वो gov.in/scindia। ठीक है, इस पर आप जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, कोई भी केस पे मतलब बहस चल रही है, तो उसका सीधा लाइव प्रसारण आप लोग देख सकते हो इस वेबसाइट पे जाके, लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि जयपुर के कौन से स्टेडियम में वाको इंडिया नेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता शुरू हो गई है। विद्याधर स्टेडियम, KL मानसरोवर स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम या राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। इसका जो राइट आंसर है वो है सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये जयपुर में, तो वहाँ पे ये चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि सरकार ने, भारत सरकार ने अभी कितने YouTube वीडियो पर गिड़ा फैलाने तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के कारण प्रतिबंध लगाया है। 35, 79, 45 या 55, 35, 79, 45, 55। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 45 वीडियो हैं और जो चैनल हैं वो 10 चैनल हैं। ठीक है, 10 चैनलों के 45 नंबर थे, वो 45 वीडियो थे, उस पर इन्होंने बैन लगा दिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस में किस अमेरिकी फरार को नागरिकता दी है। जो हमारे राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं रसिया के पुतिन जी, उन्होंने अभी एक अमेरिका का एक बंदा था, वो फरार चल रहा था, उसको अपने यहाँ सिटीजनशिप दी है। ग्लेन ग्रीनवर्ल्ड, एडवर्ड स्नोडेन, मार्से करंगा या मैनुअल हीटर। इसका जो राइट आंसर है वो एडवर्ड स्नोडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि भारत के किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप का विकसित किया, जलदूत ऐप को विकसित किया या लॉन्च किया है उन्होंने। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन मैंने लिए हैं, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या पशु मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कौन से, ये सैटेलाइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कौन से देश ने दो नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए हैं अभी कुछ टाइम पहले। तो पहला ऑप्शन रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका या चाइना। तो इसमें जो राइट आंसर है वो चाइना, चाइना ने अभी ये दो सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ कि भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रण करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु सरकार ने अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उस पर रोक लगाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जियोर्जिया मिलोनी, एमिली बर्नी, लुसिया हेनरी या डेनिला मार्टिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जियोर्जिया मिलोनी है। ठीक है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इटली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि जो विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। 29 सितंबर, 29 जुलाई, 29 मार्च या 29 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो 29 सितंबर, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देश के अगले CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन लिए हुए हैं दोस्तों मैंने, अनिल चौहान, मनोज मुकुंद, दलवीर सिंह सुहाग या विक्रम सिंह। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो है अनिल चौहान, अनिल चौहान अगले CDS बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी के जल के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। गंगा नदी, मोहरी नदी, कुसियारा नदी या मेघना नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कुसियारा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत के किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए हैं।
चार ऑप्शन मैंने दोस्तों लिए हुए हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल या असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी 8 पुरस्कार जीते हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में निर्मित चौक का नाम किस नाम से रखा है। अभी उन्होंने नाम दिया है तो वो लता मंगेशकर चौक है, अटल चौक है, मुखर्जी चौक है या पटेल चौक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो लता मंगेशकर चौक फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा। श्री महाकाल जी शिव, श्री महाकाल नीलकंठ, श्री महाकाल संस्था या श्री महाकाल लोक, जो महाकाल कॉरिडोर किस नाम से। तो वो इसका जो राइट आंसर है वो श्री महाकाल लोक नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कौन सी कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो ईवी लॉन्च की है। ये फोर्स मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा या टाटा मोटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने अभी ये पहली जो इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो ईवी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन लिए हुए हैं मैंने, विनायक गोडसे, अंद्रू सिन्हो, रघुवे मिंचल या रोशिफ खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है विनायक गोडसे फर्स्ट ऑप्शन। इनको अभी भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ बनाया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अभी गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन ध्वजवाहक बनी है। जो आपने देखा होगा जब भी कोई मतलब चैम्पियनशिप कोई गेम स्टार्ट होता है किसी जगह किसी राज्य में, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब उसका उद्घाटन होता है तो एक जो प्रतिनिधि वो रहता है टीम का, मतलब जिस राज्य से टीम आई हो उसका एक प्रतिनिधि होता है, तो वो एक हाथ में एक ध्वज लेके चलता है। ठीक है, तो अभी जो गुजरात में हुआ है वहाँ पे ये चार ऑप्शन लिए हुए हैं मैंने कि इनमें से एक पर्सन है जो वहाँ के ध्वजवाहक बनी है, साक्षी मलिक, हिमा दास, शिवपाल सिंह या अन्नू रानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो अन्नू रानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है वो डीआरडीओ के रिगार्डिंग है कि डीआरडीओ ने कहाँ पर बैरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उड़ीसा, केरल, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा के जो तट है वहाँ पे डीआरडीओ ने अभी ये सक्सेसफुल अपना किया है, मिसाइल का जो परीक्षण है वो उसको सक्सेसफुली अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन से राज्य की द्वारे राशन योजना को हाल ही में हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। वहाँ की जो ये द्वारे राशन योजना चल रही थी उसको हाईकोर्ट ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, 19 सितंबर, 11 सितंबर, 17 सितंबर या 30 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है वो 30 सितंबर। इस दिन ये अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किसको उनकी कृति, मतलब उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि मालवा के वित्तचित्र के लिए राष्ट्रीय स्तर नवाया गया है, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, आशा भोसले, प्रदीप गुराहा या अनुपम खेर। इसका जो राइट आंसर है वो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो दोस्तों मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, गोपाल सुब्रमण्यम, आर वेंकटरमणी, अशोक देसाई या सिद्धार्थ लूथरा। तो इसमें जो राइट आंसर आर वेंकटरमणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो इंडिया, जो भारत सरकार होता है उसका पक्ष हाईकोर्ट में या कहीं भी लीगली रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत सरकार ने कौन से संस्थान पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है, जो अभी माहौल ख़राब कर रही थी इंडिया में। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
आरएसएस, भीमसेना या हिंदू युवा वाहिनी? तो इसका जो राइट आंसर है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। ये काफ़ी इलीगल एक्टिविटी में पाई गई थी अभी, जो इसकी जांच चल रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देश में पहली बार राज्य गदा जोड़ी मुगद्दर, जैसे आपने देखा होगा जो पहलवान लोग होते हैं तो वो एक पीछे एक लकड़ी का एक मुद्दक टाइप होता है, तो उससे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? लखनऊ, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या गांधीनगर? तो ये अभी लखनऊ में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सी बैंक ने उत्सव अभियान, खुशियों का त्यौहार शुरू किया है? मतलब हर टाइम पे कंपनियाँ जो अदर अदर बैंक होती हैं अपनी स्कीम लाती रहती हैं, तो अभी कौन सी बैंक ने अभी उत्सव अभियान के तहत खुशियों का त्यौहार शुरू किया है? HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी ये खुशियों का त्यौहार स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या राजस्थान? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना शुरू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना कि ASI ने किस राज्य में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है, ठीक है। ये क्या ना कि ये पुरानी जो चीज़ें होती हैं, पुरानी तथ्य होते हैं, उनके बारे में ये सर्च करते रहते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या बिहार? तो इसमें चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी ये 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अडानी ग्रुप, जो अडानी ग्रुप है, ठीक है ना, तो उसके अडानी ग्रीस ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में शुरू किया है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या लद्दाख? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजस्थान। राजस्थान राज्य में इन्होंने भी स्टार्ट किया है। और यही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, नॉलेजेबल मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो मिल सकें। और इसका मैं सितंबर का फुल मंथ का तुरंत जल्दी ही मतलब वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको पूरे मंथ का ही आपको एक साथ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।